हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरे चैनल, अपने भाई का चैनल, हेयर ट्रांसप्लांट विद बासु। तो आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। हमारे एक भाई है जिन्होंने आज से 8 महीने पहले जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया था। उनकी 4 महीने की वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी जा करके देख लेना, मैं आई बटन में डालने वाला हूँ। और अभी जो हमें उनके 8 महीने का रिजल्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी डिले के। कैसा आप सब? आई होप आप सब बेटर होंगे। आपने अभी मेरा रिज़ल्ट देखा, ऑलमोस्ट 8 मंथ हो गए रिजल्ट्स की, और आपने देखा रिज़ल्ट मेरा जो है वो एक्चुअली रियलिटी है। इसमें ना कोई एडिटिंग, ना ही कोई मतलब गलत बात, जो रिज़ल्ट है मैंने दिखा दिया। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने ग्राफ्ट लगे थे ना, उतने ग्राफ्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मेरे पीछे थोड़ा क्राउन के हिस्सा थोड़ा गैप्स है, क्योंकि मैंने वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं लिया है। बट आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में एक और मैं सेशन लूँगा और उसे भी कवर कराऊँगा, और उसके होने के बाद भी मैं रिज़ल्ट शेयर करूँगा, ताकि आप लोग को पता चले कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है। आप अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा लिए हो तो आपको केयर करनी होगी, तभी ये बाल रहेंगे, नहीं तो फिर लाइफ की तो गारंटी नहीं है, तो फिर ये तो बाल है। तो एक्चुअली अब मुझे मज़ा आता है, अब
मिरर को देखने से या फिर सेल्फी लेने से ना घबराहट नहीं होती है। नहीं तो पहले कॉन्फिडेंस लेवल मतलब इतना चला गया था ना कि अपनी शक्ल देखने के भी दिल नहीं करता था। जब हम लोग खुद ही अपने आप को नहीं देख पाते थे तो आप समझ सकते हो कि दूसरे वाले कैसे देख सकेंगे। तो बस मैं अपना रिजल्ट से तो सेटिस्फाइड हूँ। आई होप आप लोग दुआ करो कि मेरा ये रिज़ल्ट टिके रहे, बरकरार रहे। और अब तो अच्छा लगता है फेस देखने से, सेल्फी लेने से स्पेशली। अब फंक्शन भी मैं जब से ये कोविड आया है ना तब से तो फंक्शन भी मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ जब से हेयर्स आए हैं। बट आई होप ये वायरस भी चले जाएगी, आपके फैमिली अच्छे रहे, सब कोई अच्छे रहे, मैं अच्छे रहूँ। और आप लोग दुआ करना कि जिस तरीके से बाल आ गए हैं ना उसी तरीके से इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ऐसे टिके रहे, और मैं फ्यूचर में भी आप लोग को अपना रिजल्ट शेयर करते रहूँगा। ठीक है फिर, तो बाय। उम्मीद है गाइस आपको इनके 8 महीने का रिज़ल्ट अच्छा लगा होगा। आप जैसे कि उन्होंने बताया, उन्होंने अपने क्राउन के एरिया में ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराया था, तो इन फ्यूचर वो एक सेकेंड सेशन लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जैसा रिज़ल्ट उनका अभी आया है, क्राउन का रिज़ल्ट भी उनका उतना ही बेहतरीन आया है। आप देख सकते हो कितनी कम एज में, 25, 26, 27 की उम्र में ही जो उनके काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ गए थे। डोनर एरिया भी जो है एवरेज था, बहुत एक्सीलेंट नहीं था, फिर भी उनका रिज़ल्ट जो है कितना अच्छा आया। तो मैं यही बोलता हूँ यार, पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे जगह से कराओगे ट्रांसप्लांटेशन तो नो डाउट रिजल्ट अच्छा ही आएगा, जैसे कि इन भाई साहब का आया है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, नए रिजल्ट दिखाऊंगा। और मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो यार। और वीडियोस को लाइक किया करो, मुझे मोटिवेट करते रहो ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और इन भाई साहब के लिए दुआ करना, जैसे कि उन्होंने बोला कि इनका रिजल्ट हमेशा बरकरार रहे, तो इनके लिए प्लीज़ दुआ करना। हम चाहेंगे इनका रिजल्ट जो है हमेशा बरकरार रहे। चलो इस वीडियो में इतना ही, अब और बकवास नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दो अपने भाई को जाने की इजाज़त। जय हिंद एंड टेक केयर।